नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से निराश कर दिया है। कोर्ट ने 15 जुलाई तक के लिए मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी है। तो वही दूसरी बड़ी अपडेट की आप को बात बता दें कि सुनीता केशवाल ने जिस तरीके से न्यायपालिका को लेकर के सवाल उठाया, तो वहीं बीजेपी ने इसको लेकर के करारा पलटवार किया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सुनीता केशवाल पर निशाना साधते हुए ये कहा कि अब तो सुनीता केशवाल जिस तरीके से बयान दे रही है और न्यायपालिका को लेकर के सवाल उठा रही है, ये काफी ज्यादा चौंकाने वाला विषय है। आपको बता दें जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को यह बढ़ाया गया है, तो न सिर्फ ये मनीष सिसोदिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि सीबीआई अदालत को गुमराह कर रही है। इसका जवाब देने के लिए सीबीआई का पक्ष रख रहे वकील डीपी सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि जून के बाद नए सबूत सामने आए हैं और वे इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जानकारी देंगे। बता दें कि इससे पहले ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली शराब घोटाले के तीनों आरोपी को पेश किया था। यहां पर ईडी ने हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। अदालत ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद केशवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी और वहीं मनीष सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत को भी आगे बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से सुनीता केशवाल ने न्यायपालिका को लेकर के सवाल उठाए हैं, बकायदा देखने को मिला था कि पिछले दिनों उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है शराब घोटाला मामले की, इसको लेकर के सवाल उठाए और एक बार बात फिर से दोहराई कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है। ऐसे में जो बयान दिया गया है उसको लेकर के दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर से बड़ा हमला बोला और ये कहा, सुनीता केजरीवाल को न्यायपालिका पर संदेह पैदा करते देखना चौंकाने वाला है। समय के साथ सुनीता केशवाल ने अपने पति और उनकी पार्टी सहयोगियों की तरह कहानी सुनाने की कला में महारत हासिल कर ली है। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का बयान। देखिए, माननीय न्यायालय के जो निर्णय हैं उसको सबको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी माननीय न्यायालय के हर निर्णय को अपने गुण और दोष के साथ देखती है, इसलिए उसको इवेंट बनाने का काम करती है। मैं माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शराब नीति घोटाला या जितने भी घोटालों में आम आदमी पार्टी के लोग हैं उनकी जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, आने वाले दिनों में दिल्ली वाले उनका और भ्रष्टाचार देखेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना आशीर्वाद दिया है, जिसकी वजह से बीजेपी ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार से अब मुक्ति चाहती है और उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी 26 साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता में शानदार वापसी करेगी। सुनिए किस तरीके से वीरेंद्र देवा ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से और इनके करप्शन से पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। की जनता ने भरपूर आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। दिल्ली की 7 सीटों पर हमने विजय हासिल की है और उसी संकल्प को आज हम और सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली विधानसभा में भी एक बेहतर दिल्ली के लिए, एक स्वच्छ दिल्ली के लिए और दिल्ली वालों के लिए दिल्ली वालों की सरकार बने, इस संकल्प के साथ आज ये कार्यकारिणी हो रही है और निस्संदेह दिल्ली की जनता इस भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल सरकार से निजात चाहती है, मुक्ति चाहती है, उसका संकल्प लेकर आज हम यहाँ से निकलेंगे। दिल्ली में 2 मुद्दे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो काम है जिसपे दिल्ली लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है, दिल्ली की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। अब अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, आप बताइए ना, कौन सा मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाता है? पूरे प्रशासन को पंगु बनाने का काम कर दिया, आए दिन रोज भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लगातार दिल्ली को लूटने का काम हो रहा है, एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरसती है, 2 घंटे की बारिश में दिल्ली जाम हो जाती है, तो ये दिल्ली है क्या? इसे दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाने की जरूरत है। 26 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, इस बनवास को खत्म करेंगे, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में होगी, केंद्र में नरेंद्र मोदी होंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब दिल्ली को संभालेगा तो निस्संदेह दिल्ली बेहतर दिल्ली बनेगी, दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली जैसी होनी चाहिए, वो विजन हमारे पास है। इसकी तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी और उस विजय के संकल्प को
सिद्धि तक ले जाने का काम आज इस कार्यकारिणी की बैठक में होगा। देखिए यहाँ प्रदर्शनी माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन काल की भी लगी है, उनका पूरा जो जीवन बचपन से लेकर माननीय प्रधानमंत्री बनने तक उनका पूरा जो संघर्ष है वो दिखाया गया है। उसी तरह से दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने जो पिछले 15-16 महीनों में लगातार संघर्ष किया भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ, उसकी हमने यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, जिससे कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं और उत्तेजित हैं कि हाँ अब इस दिल्ली सरकार को हटाना है। आपको बता दें, दरअसल आम आदमी पार्टी द्वारा सुनीता केजरीवाल की ओर से जारी किए गए रिकॉर्ड एक वीडियो सामने आया जो कि काफी ज्यादा चौंकाने वाला बताया जा रहा है। ये चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि सुनीता केजरीवाल ने न्यायपालिका को लेकर के संदेह दिखाया है और न्यायपालिका को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये एक मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा जारी किया गया वीडियो है, जो स्वयं वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी रह चुकी हैं। यह आश्चर्यजनक है कि वो न्यायपालिका पर संदेह कर रही हैं, क्योंकि अपनी कहानी सुनाने के दौरान वो बार बार कहती हैं कि अदालत ने 3 बार सांसद M.S. रेड्डी के बेटे को जमानत देने से इनकार कर दिया, जब उनसे बार बार अपना मूल सत्य बयान दिया, लेकिन 2023 में M.S. रेड्डी पारिवारिक दबाव के कारण झुक गए और बयान बदल दिया, जिसके बाद रेड्डी के बेटे को अदालत ने जमानत दे दी। ये चौंकाने वाला है कि सुनीता केजरीवाल चाहती है कि हम दिल्लीवासी विश्वास करें कि जब रेड्डी सत्य बयान दे रहे थे तब अदालत ने उनके बेटे को जमानत नहीं दी, लेकिन जैसे ही M.S. रेड्डी ने अपना बयान बदल दिया उनके बेटे को जमानत मिल गई। सुनीता केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि अपने बयान से केजरीवाल ने न केवल न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई बल्कि सामान्य कानून का पालन करने वाले नागरिकों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया है। हर कानून का पालन करने वाला नागरिक जानता है कि जमानत और माफी अदालत द्वारा दी जाती है, ना कि ईडी या फिर किसी अन्य जांच एजेंसी के द्वारा, और अदालतें राजनीतिक संबंधों से प्रभावित नहीं होती। इसके अलावा सुनीता केजरीवाल को यह भी जानना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला कई सबूतों पर आधारित है, ना कि केवल M.S. रेड्डी के बयान पर। साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सुनीता केजरीवाल को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि माननीय हाईकोर्ट ने अपने 9 अप्रैल के आदेश में स्पष्ट कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता है और उनको शराब माफिया से किकबैक मिलने के सबूत है। यानी कि यहां पर स्पष्ट तौर से वीरेंद्र सचदेवा ने जो सुनीता केजरीवाल के द्वारा रिकॉर्डेड वीडियो जारी किया गया है इसको लेकर के जमकर हमला बोला, और जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल ने न्यायपालिका पर सवाल उठाया और खासकर जो M.S. रेड्डी का बयान है उसको लेकर के आधार बनाया कि शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ M.S. रेड्डी के बयान पर ही की गई है, तो यहां पर वीरेंद्र सचदेवा ने बकायदा यह बताया है कि सिर्फ उनके बयान ही नहीं है बल्कि यहां पर कई सारे और प्रूफ जांच एजेंसी को मिले हैं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, और शराब घोटाला मामले में खुद कोर्ट ने माना है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले के मुख्य साजिशकर्ता है। बकायदा कई सारे चैट्स इसमें सामने आए थे। इसके अलावा यह भी सामने आया कि कैसे पैसों की लेन देन की बातें यहां पर की गई है, घी शब्द का यहां पर जिक्र किया गया है पैसों के लेन देन के लिए, और कैसे हवाला के जरिए जो पैसे आए उसका इस्तेमाल गोवा के विधानसभा चुनावों में किया गया है। ये तमाम चीजें ईडी ने अपने चार्जशीट में भी शामिल किया और इसके सबूत भी उन्होंने कोर्ट में दिए। इसके बावजूद कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल दिल्ली की जनता को कर रही हैं और इसको लेकर के ये बड़ा हमला वीरेंद्र सचदेवा की ओर से बोला गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।